नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। जब नाश मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। जन्म जन्म अमूल्य जतन कराही अंत कौल घर मिलत नाही सरकार की दुख भरी कहानी। एक शिवलिंग की रक्षा करने के लिए एक ब्राह्मण कन्या अपनी मां के साथ बुलडोजर का सामना करती रही, आग की सामना करती रही। और हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर में जलती रहे मां की तड़प को देखकर तड़पती रही, मां बेटी के तड़प को देखकर तड़पती रही। तड़पते तड़पते दोनों काल के गाल में समा गए, लेकिन सरकार और अधिकारियों को थोड़ी भी दया नहीं आई। जान बचाने की तो बात अलग, अभी भी राजनीति चल रही है। न्याय की बात कोई नहीं कर सकता है, सब अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं। आज हमारा देश अकाल महामारी और तानाशाही का शिकार होता जा रहा है, और हम समाज के लोग हर दर्द सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध करने के लिए तैयार नहीं। यह बहुत ही शर्म की बात है। जिस राज्य में हमारी गरीबों का दोहन होने लगे, शोषण होने लगे और उन्हें मारकर जलाया जाने लगे, तो उस राज्य में कौन रहना चाहेगा? उस देश में कौन रहना चाहेगा? जब समाज ही सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित? सबको राम राम। बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि जब नाश किसी का आता है विवेक पहले मर जाता है। हमें तो कष्ट तब होता है कि एक शिवलिंग को बचाने के लिए एक माँ और बेटी धक धकते हुए आग में जल जाती हैं, तड़पती रहती हैं, सब देखते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, सब आनंद लेते रहते हैं और बेटी और माँ जल जाती हैं। हमें तो अफसोस तब होता है कि जब वो बेटी अपनी माँ को जलते हुए देख रही होगी तो उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, और जब वह माँ अपनी बेटी को जलते हुए देख रही होगी तो उस पर क्या बीत रहा होगा। ऐसी ऐसी भयावह दृष्टि तो श्रीलंका में भी हनुमान जी ने नहीं किया, जितनी भयावह स्थिति आज हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर में हुआ कि एक ब्राह्मण वंश की कन्या, एक ब्राह्मण वंश की कन्या अपनी माँ के साथ तड़प तड़प कर मर गई, और एक शिवलिंग की रक्षा करने के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन सरकार के कान तक जू नहीं ले रहेगा, और उसके मंत्री विधायक आज भी अपनी वोट की राजनीति करने में लगे हुए हैं। उस माँ बेटी को अभी भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, करवर्ध प्रार्थना करता हूँ कि सरकार उन माँ बेटी को न्याय दे, न्याय दे, और इस तरह का कुकृत्य न करे। जो गरीब अपने घर बसाए हैं, वर्षों कमा कर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय घर मिलत नाही। अगर कोई इसी तरह से अपना कुटिया बना के लोग रह रहे हैं तो उन पर सरकार ध्यान दे, और जो हमारे पूंजीपति और मालवती और जितने भी धनाढ्य लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जो कब्रिस्तान, श्मशान या गरीबों के जमीन जायदाद को हड़प करके अपना महल और अटारी बनाए हुए हैं, सरकार उस पर बुलडोजर चलाए, उस पर कार्रवाई करे। हमारे गरीब के साथ, हमारे गरीब ब्राह्मणों के साथ, गरीब ठाकुरों के साथ, गरीब दलितों के साथ और गरीब बंजारों के साथ ऐसा न करे। ये दुख भरी घटना है, असहनीय घटना है, अप्रिय घटना है। ब्राह्मण का जलना इस तरह से भी नुकसानदायक होता है। जन्म जन्म तुम करो पूजा, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकते हो। इसी माँ बेटी के जलने से बीजेपी का अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित।